दोस्तों, क्या है रेडियो का इतिहास और कैसे आया यह भारत? गांधी जी ने रेडियो के जरिए कौन सा नारा दिया? आखिर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने रेडियो बनाने की कोशिश की? क्या सच में पहले रेडियो रखने के लिए 10 रुपए का लाइसेंस लेना पड़ता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो पहले मीडिया का इकलौता माध्यम हुआ करता था। देश दुनिया और मनोरंजन जगत की सभी खबरें रेडियो के जरिए ही लोगों तक पहुंचती थी और इसे सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। साथ ही रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम का ठीक उसी तरह इंतजार होता था जैसे कि आज टीवी पर आने वाले अपने फेवरेट ड्रामा या फिर फिल्म देखने के लिए किया जाता है। लेकिन आज के वक्त में रेडियो का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। हालांकि रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में बदलाव की वजह से आज भी रेडियो लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि टैबलेट, मोबाइल और कार्स वगैरह में आसानी से उपलब्ध है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से रेडियो के जरिए हर संडे को मन की बात प्रोग्राम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को रेडियो से जुड़े रहने का मौका मिलता है। भले आज मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर के दौर में रेडियो बीते जमाने की बात हो गई है, लेकिन आज भी ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। वहीं रेडियो की तमाम खासियत की वजह से इसके शानदार इतिहास को याद रखने और रेडियो के खोते स्वाभिमान को फिर से जगाए रखने के लिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं रेडियो के इतिहास के बारे में, किसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, साथ ही भारत में रेडियो कब आया और लोगों के बीच कैसे फेमस हो गया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेडियो को दुनिया में लाने के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने रेडियो के आविष्कार के लिए अलग अलग टाइम पे अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया है। तब जाकर कहीं हमारे साथ पीके वाला रेडियो हाथ लगा। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करती थी, जिसे ढूंढने का काम सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। हालांकि मैक्सवेल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सही थ्योरी नहीं दे पाए थे, जिसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट ओलिवर हेविसाइड ने इस खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी इन वेव्स को समझने में नाकामयाब हो गए। इसके बाद हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करना शुरू किया और सालों तक मेहनत करने के बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई जो पहले दो साइंटिस्ट को ना मिल सके थे। हेनरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब दिया जिसे उस वक्त साइंटिस्ट नहीं खोज पाए थे, जिनके जवाब वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली की तरह थे। हेनरी ने अपनी सफल खोज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसमें इन वेव्स को लेकर की गई खोजों के बारे में डिटेल में बताया गया था। उस किताब के मार्केटिंग में आने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने उस किताब को पढ़ा, जिनमें से जगदीश चंद्र बोस भी एक थे। उस किताब को मुकम्मल तरीके से पढ़ने के बाद साल 1895 में जगदीश चंद्र बासु ने कोलकाता के हॉलटाउन में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न सिर्फ हवा बल्कि दीवार और लोगों की बॉडी के जरिए से वायरलेस तरीके से भेजा जा सकता है। बोस के इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से लोग रेडियो के आविष्कार का क्रेडिट उन्हें ही देते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे, रेडियो के जनक तो गुलियम मर्कोनी को माना जाता है और बच्चों के स्कूल की किताबों में रेडियो के आविष्कार के रूप में मर्कोनी को ही पढ़ाया जाता है। तो आपको बता दें, जगदीश चंद्र बोस को वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का पिता माना जाता है, जबकि मर्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। दरअसल जहां पर एक तरफ जगदीश चंद्र बोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इटली में गुलियम मर्कोनी थे, जो कि इन वेव्स को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। और जब मर्कोनी ने इन वेव्स को पूरी तरह से समझने में कामयाबी हासिल कर ली, तब उन्होंने रेडियो के आविष्कार के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिस वजह से आज हम सभी मर्कोनी को ऑफिशियल रेडियो के आविष्कारक के रूप में मानते हैं। यूएस पेटेंट रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1895 में मर्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और इसी साल उन्होंने रेडियो के इन्वेंटर के रूप में अपना नाम पेटेंट कराया। ऐसा कहा जाता है कि जब मर्कोनी 20 साल के थे, तब उन्हें हेनरी रुडोल्फ द्वारा खोजी गई रेडियो वेव्स के बारे में पता चला। उस समय उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आया था कि क्या हम इन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मैसेजेस को ले जाने के लिए फिर से कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है, क्योंकि उस वक्त मैसेज भेजने के लिए लोकेटर का इस्तेमाल किया जाता था। अपनी इसी सोच के साथ मर्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1894 की रात थी जब मर्कोनी अपनी छत पर मौजूद लैब रूम में अपनी माँ के पास आए और उन्हें उठाकर अपने साथ लैब रूम में लेकर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी माँ को एक घंटी दिखाई जो कुछ डिवाइसेस के बीच में लटकी हुई थी। जब मर्कोनी रूम के कोने में गए तो उन्होंने वहाँ से एक की दबाई, जिससे हल्की सी चिंगारी निकली और फिर अचानक से वही घंटी बजने लगी और वो उस घंटी से करीब 30 फीट दूर खड़े थे। बिना किसी वायर की हेल्प से इतनी दूर तक रेडियो वेव्स के साथ घंटी बजाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मर्कोनी अभी यहीं रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और फिर एक दिन मर्कोनी ने अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी की एक तरफ और रिसीवर को दूसरी साइड रख दिया और वहाँ अपने भाई को खड़ा कर दिया ताकि उसे मैसेज मिल सके। जैसे उनके भाई को मैसेज मिला, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भाई की खुशी देखकर मर्कोनी को अंदाजा हो गया कि उनकी मशीन काम कर रही है, और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मर्कोनी ने इटली सरकार से हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर मर्कोनी उदास नहीं हुए और 22 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ इंग्लैंड चले आए, जहाँ 1896 और 1989 के बीच उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए डिवाइसेस से वायरलेस वायर से जुड़ी कई कामयाब खोज की। 1897 में मर्कोनी 20 साल तक मैसेज भेजने में कामयाब हो गए और उनका नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। मर्कोनी के बाद कैनेडियन साइंटिस्ट रेजिनार्ड ने 24 दिसंबर साल 1906 को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए मैसेज भेजकर रेडियो की शुरुआत की थी। उस टाइम रेजिनार्ड ने वायलिन बजाकर उसकी
धुन को रेडियो वेव्स के माध्यम से अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों तक पहुंचाया था। इसी के बाद रेडियो का इस्तेमाल मैसेजेस पहुंचाने के मकसद से नौसेना नेवी में होने लगा। हालांकि बाद में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 1918 तक गैर सेनाओं द्वारा रेडियो के इस्तेमाल को अवैध कर दिया गया था। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज इलाके में लीदी फॉरेस्ट ने साल 1918 में दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे गैर कानूनी करार देकर इसको बंद करवा दिया था। इसके बाद नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो डिपार्टमेंट में काम कर चुके फ्रैंक कोनार्ड को कानूनी तौर पर दुनिया में पहली बार रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने की इजाजत दे दी गई और इसी तरह रेडियो पर लगी रोक को हटा लिया गया। कानूनी तौर पर इसकी शुरुआत होने के बाद साल 1923 में दुनिया में रेडियो कैट्स की शुरुआत की गई थी। रेडियो के बारे में बात जान के शायद आपको हैरानी होगी कि शुरुआत में रेडियो को रखने के लिए 10 रुपए में लाइसेंस खरीदना पड़ता था। हालांकि बाद में लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और रेडियो संचार एक बहुत बड़ा पावरफुल माध्यम बनता चला गया। वही भारत में साल 1924 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो लेकर आया था। इस क्लब ने साल 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का काम किया। इसके बाद साल 1932 में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और इसकी देखरेख के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसका नाम 1936 में ऑल इंडिया रेडियो एयर रख दिया गया, जो कि आज आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। भारत में सरकार द्वारा बनाई गई रेडियो ब्रॉडकास्ट एक राष्ट्रीय सेवा थी, जिसके बाद पूरे देश में इसके ब्रॉडकास्ट लिए स्टेशन बनाए गए और देश के कोने कोने तक इसे पहुंचाया गया। यही नहीं दोस्तों, रेडियो ने भारत की आजादी में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें साल 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट जब शुरू किया गया था, तब स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने इसी रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। भारत की आजादी के बाद साल 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। वहीं अब रेडियो FM का रूप ले चुका है। हालांकि आकाशवाणी आज भी चलता है, लेकिन FM नए जमाने का रेडियो है और इसमें कई आधुनिक सेवाएं चालू की गई हैं। नए गाने, नए कॉन्टेस्ट, नई एक्टिविटीज, तमाम चीजें आज के FM में आपको मिल जाएंगी। आपको बता दें आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उनकी पहुंच 99.1% लोगों तक है। वहीं मौजूदा दौर में केंद्र सरकार रेडियो के प्रचार व प्रसार पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तभी प्रधानमंत्री खुद अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम मन की बात रेडियो पर करते हैं। रेडियो के लिए उनका प्यार काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं दोस्तों, साल 2023 में विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और शांति रखा गया, जिसका मकसद शांति को बढ़ावा देना और संघर्ष को रोकने के लिए रेडियो के इम्पोर्टेंस पर ध्यान देना था। वहीं कोरोना काल में साल 2021 में नई दुनिया नया रेडियो थीम जारी की गई, जिसका मकसद कोविड-19 महामारी द्वारा लाए गए बदलाव को अपनाने और आकार देने में रेडियो की भूमिका पर था। रेडियो की इम्पोर्टेंस देने का ये सिलसिला यूं ही जारी रखने की दरकार भी है दोस्तों, जिससे रेडियो हमेशा बना रहे। बोला बताइए रेडियो पर गाने सुनना, प्रोग्राम सुनना कैसा लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।